जैसे ही कुणाल से बातचीत करके अबीर अपने रूम में एंटर होगा, वो सोचेगा कि मिष्टी सो चुकी है। वो बेड पर बैठेगा और अपने ही सोच में डूबा रहेगा और सोचेगा कि कैसे ना कैसे वो मिष्टी को तो ये बात बता नहीं सकता, क्यों ना कुणाल से ये बातें शेयर की जाए। जैसे ही अबीर चेंज करने के लिए उठता है, वहाँ पर मिष्टी की सरप्राइज एंट्री होती है और वो उससे सवाल जवाब करने लगती है बहुत ही क्यूट अंदाज में। यहाँ मिष्टी अबीर से पूछती आती है नज़र कि सब ठीक है ना, आखिर तुम कहाँ गए थे अबीर, और मुझे ऐसे बताकर कहाँ चले गए। अबीर यहाँ पर मूड को लाइट करता है और मिष्टी से कहता है कि मैं एनजीओ ही गया था उस चांदनी से मिलने। यहाँ मिष्टी शक की निगाहों से अबीर को देखती है और कहती है कौन चांदनी, तो अबीर मस्ती में कहता है कि वही मेरी हाफ गर्लफ्रेंड। यहाँ फिल्म के नाम लेकर इन दोनों के बीच में छोटी सी गेम शुरू हो जाती है, जिसके बाद फिर मिष्टी पूछती है अबीर से कि तुम झूठ तो नहीं कह रहे, आखिर तुम कहाँ गए थे, मुझे बताते क्यों नहीं। अबीर मिष्टी को कुछ भी नहीं बताता और वो मामला रफा दफा कर देता है और कहता है कि रात बहुत हो गई है, चलो अब हमें सो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि फंक्शन होगा मेहंदी का, जहां पर हर कोई बहुत ही खूबसूरत आउटफिट में आपको नजर आने वाला है। ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में पूरी फैमिली सजी धजी आपको मेहंदी सेरेमनी करती आएगी नजर। यहाँ अबीर को टेंशन होगी और वो वरुण को मैसेज करेगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। यहाँ दूसरी तरफ मिष्टी पारुल मासी से मेहंदी लगवा रही होती है और अबीर को दिखाती है कि अबीर देखो कैसी लगी है, अच्छी है ना। लेकिन यहाँ पर अबीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो ठीक है और अच्छी है कहकर बात को ख़त्म कर देता है। मिष्टी को तो आदत है अबीर के शायरियों की और उसके स्पेशल अटेंशन की, इसीलिए मिष्टी अबीर को थोड़ा सा टीज करती है और कहती है कि अरे अजीब राजवंश, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, तुम्हें मिष्टी की मेहंदी पसंद नहीं आई, अगर आई तो थोड़ी शायरी वायरी सुनाओ। यहाँ पर मिष्टी अबीर को छेड़ेगी और एक ऐसी शायरी सुनाएगी जिसे सुनकर परिवार वाले बहुत ज़्यादा हंसने लगेंगे। अबीर का मूड यहाँ लाइट हो जाएगा और दूसरी तरफ कुणाल एंटर करेगा मेहंदी सेरेमनी में और वो अबीर का सपोर्ट लेते आएगा नजर और कहेगा कि भाई अगर शायरी नहीं तो कुहू के स्टाइल में हैशटैग बेस्ट मेहंदी ऑफ द वर्ल्ड ही कह दो, क्योंकि ऐसी तारीफ से तो कोई भी खुश हो जाता है। यहाँ पर कुहू अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले आती है और कहती है कि क्या मतलब है, मुझे इम्प्रेस करना बच्चों का काम है। या इन दोनों की तू तू मैं चल ही रही होती है कि बस दूसरी तरफ पारुल मासी कहती हैं कि बस अब बस करो, कितना लड़ोगे, बड़ी बेंगबा, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था रस्म के लिए। जैसे ही अबीर सुनता है कि वो लोग नहीं आए हैं, अबीर खुद में परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे किसी भी तरह वरुण और उसकी फैमिली को यहाँ लाना ही पड़ेगा। तो वहाँ केतकी कहती है कि हाँ अभी तक वरुण क्यों नहीं आया है, कुछ तो पता करो। अबीर मूड को लाइट करने के लिए केतकी को कहता है डोंट वरी केतु, वरुण अभी आ जाएगा। वैसे कैसा संगीत है यहाँ, ना तो कोई डांस है ना ही कोई ड्रामा, आखिर ये क्या हो रहा है भाई। कुहू भी हामी भरेगी और कहेगी कि यस ब्रो, तो यहाँ कुणाल कुहू की टांग खींचेगा और कहेगा कि अगर अरेंजमेंट कुहू ने किए हो तो ऐसा कुछ होना तो एक्सपेक्टेड ही है। यहाँ बहुत ही लाइट माहौल होगा, एक दूसरे को चैलेंज किया जाएगा। यहाँ पर केतकी कहेगी कि जो भी हो ब्रो, लेकिन हमारे घर की सबसे बेस्ट डांसर तो भाभी ही हैं और दोनों भाभी मिलकर ऐसा डांस करती हैं जो आप लोग भी नहीं कर सकते। ये बात अबीर और कुणाल को नागवार गुजरती है और वो चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो हम बातों से नहीं मानते, ज़रा कुछ प्रूफ करके दिखाएं कि आखिर कैसे वो हमसे बेस्ट हैं। यहाँ मिष्टी और कुहू बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में होती हैं और वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि आप बेस्ट हैं या फिर हम। यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्टेड हो जाएगा और यहाँ पर नाच गाना शुरू होगा, म्यूजिक लगेगा बोले चूड़ियाँ, जिस पर मिष्टी का खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस आप सबको देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद अबीर कुणाल अपनी रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही डांस पूरा ख़त्म होगा वहाँ लाइट अचानक से चली जाएगी। लाइट को ऑफ देख हर कोई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा और अबीर कहता है कि मैं चेक करता हूँ आखिर क्या हुआ। जैसे ही अबीर चेक करने जा ही रहा होता है, वो मन ही मन डरता है और सोचता है कि लगता है वरुण आ गया है, अब सब कुछ आपके हाथ में है पार्टनर, प्लीज़ मेरी फैमिली की खुशियों का ख्याल रखना। जैसे ही अबीर गेट की तरफ देखता है, उसे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि बड़े पापा एंट्री मारते हैं डांस के साथ और बोले चूड़ियाँ सॉन्ग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ एक एक करके बड़ी माँ वर्षा और जसमीत चाची के साथ मिष्टी की पूरी फैमिली नज़र आती है नाचती गाती
यहाँ पर आप देखेंगे एक बार फिर राजवंश और महेश्वरी फैमिली का बहुत ही शानदार डांस होगा, जिसमें हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश आएगा नज़र, मिलना मिलाना होगा और हर कोई अपने अपने तरीके से केतकी की मेहंदी सेरेमनी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। लेकिन अबीर यहाँ पर ट्विस्ट लगाता है ढोल लेकर, जिसमें हर कोई उसके ढोल पर नाचते हैं। तभी यहाँ से एंट्री होती है वरुण की, वो भी अपना ढोल लेकर आता है। अबीर वरुण को देखकर थोड़ा शॉक रह जाता है और इनडायरेक्टली ढोल बजाकर इन दोनों में फाइट का आगाज़ होता है। एक दूसरे को ये चैलेंजिंग वाली निगाहों से देखते हैं। वरुण अबीर को अपनी आंखों से ये दिखाता है कि वो मिष्टी को बर्बाद करके रहेगा, तो अबीर भी मिष्टी की ढाल बनकर, केतकी की ढाल बनकर उसके सामने खड़ा है। वो इस तरीके का रिएक्शन देता है। अब इन दोनों के इस ढोल चैलेंज की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे क्या होगा, कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है इस शो की कहानी में, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। We'll be right back.